अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे वाइट चिकन पुलाव, ईद स्पेशल। सबसे पहले हम लेंगे चिकन 1 kg। कोशिश करिए कि चिकन के पीसेस थोड़े बड़े बड़े हो। इसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे 1 स्लाइस अनियंस और जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, कोरिएंडर सीड्स 3 टेबल स्पून, फेनल सीड्स 2 टेबल स्पून, और साथ में हम लेंगे कुछ गरम मसाले। गरम मसालों के इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और 6 कप पानी। ये सब डालने के बाद अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे अराउंड 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में हमारी यखनी बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ मैंने राइस लिया था 3 कप्स, उसे मैंने वॉश करके सोक कर लिया है। ये देखिए 15 से 20 मिनट में हमारी यखनी बन के रेडी हो जाती है। मैं इसे अब कवर करके रख दूंगी और 5 मिनट्स के लिए। इसके बाद हम लेंगे ऑयल और घी, ये दोनों मैंने मिक्स कर लिया है। इसे हम ऐड करेंगे, थोड़ा गर्म होने का वेट करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे ज़ीरा। जब ज़ीरा इसमें थोड़ा सा भुन जाए तब मैं इसमें ऐड करूँगी अनियंस। ये मैंने 3 अनियंस लिए स्मॉल साइज़ के, और अब हम इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। थोड़ा सा ब्राउन बस इतना हो जाए और तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन जो हमने यखनी में रेडी किया था। इसे अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, और इसे डाल के भी अब हम अच्छे से भून लेंगे अराउंड 1 से 2 मिनट के लिए बस। इसके बाद हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर और ग्रीन चिली। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। वैसे तो इस पुलाव में गरम मसाला पाउडर नहीं डालते हैं बिकॉज़ कलर चेंज हो जाता है, बट मैं फिर भी ऐड करती हूँ थोड़ा सा टेस्ट के लिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, उसके बाद उसे कवर करके हम रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखिए ये भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही 170 ग्राम्स, और दही डाल के हम इसे अच्छे से भून लेंगे। पहले मिक्स कर लेंगे फिर अच्छे से भून लेंगे और कवर करके रख देंगे इसे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो दही का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। ये देखिए इसका पानी ड्राई हो चुका है। इसके बाद हम इसको थोड़े टाइम के लिए अच्छे से भून लेंगे 1 या 2 मिनट के लिए, ताकि इसका जो सारा ऑयल है वो ऊपर आ जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे यखनी। यहाँ मैंने 3 कप चावल लिए थे इसलिए मैं 5 कप यखनी लूँगी, एकदम परफेक्ट होता है। जब इसमें एक उबाल आ जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और जो हमने सोक करके रखे थे चावल वो, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे कवर करके रख देंगे जब तक कि इसका सारा पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। जब इसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा, ये देखिए इसका पानी ड्राई हो गया है, तो अब मैं इसे बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी अराउंड 15 से 20 मिनट तक। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे छोड़ देंगे और ये बन के फिर रेडी हो जाएगा। और ये देखिए ये बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। बहुत ही इजी रेसिपी है और टेस्टी भी, और ईद के मौक़ों पे बनाने के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। इसके साथ मैं सर्व करूँगी एक चटनी, तो चलिए देखते हैं उसकी रेसिपी। इसके लिए हम लेंगे टमेटो और साथ ही हम लेंगे ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर और मिंट, और अब हम इसे अच्छे से चॉपर में ब्लेंड कर लेंगे। हमें इसे स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा ये कोर्स टाइप का रहना चाहिए। ये देखिए सऊदी अरब में जो खबसे के रेस्टोरेंट्स होते हैं लाइक रोमांसिया और मकी, तो वहाँ पे यूजुअली ये चटनी सर्व करते हैं खबसे के साथ। तो मैं हमेशा इसे अपने इस पुलाव के साथ बनाती हूँ और ये बहुत यम्मी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी बनाइए। और ये देखिए अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट और ज़ीरा पाउडर और रेड चिली क्रश्ड, और अब हम इसे वापस से अच्छे से थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। और ये देखिए बनके रेडी हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और आप लोगों को एडवांस में ईद मुबारक। टेक केयर योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।